नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। इलाज के दौरान युवती की मौत, डॉक्टर गिरफ्तार, क्लिनिक हुआ सील। जनपद रामपुर में एक और घर का चिराग बुझा। जी हां, एक डॉक्टर ने अपनी डिग्री से हटकर एक 16 साल की लड़की का इलाज किया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत भी इतनी भयानक थी कि लड़की के मुंह से झाग रुक ही नहीं रहा था, लगातार उसके मुंह से झाग निकल रहा था। मृतक लड़की के घर वालों का आरोप है कि डॉक्टर ने उसके कई इंजेक्शन लगाए थे जिस कारण से उसकी लड़की की मौत हो गई। वहीं मृतक युवती के परिजनों की शिकायत पर सिटी मजिस्ट्रेट ने डॉक्टर दानिश खान के क्लिनिक को सील कर दिया है और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि यह यूनानी का डॉक्टर था और उससे हटकर और दवाइयों का या इलाज कर रहे थे। इस मामले पर डॉक्टर दानिश पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी चल रही है। कोरोना के इस महामारी के दौरान ही संज्ञान में आया था, इनके द्वारा रिन्यूअल न कराने के बावजूद भी अनऑथराइज डिग्री होते हुए इलाज करते पाए गए हैं, जबकि ये यूनानी के यूएमएस हैं और उन दवाओं को भी प्रैक्टिस में यूज कर रहे थे जो दवाएं इनके लिए निर्धारित नहीं है। इसलिए क्षति यूनानी अधिकारी को निश्चित कर दिया गया है कि तत्काल FIR करा करके संज्ञान कर, तब तक के लिए इनकी क्लिनिक को सील कर दिया गया है क्योंकि वो अभी लाइसेंस में नहीं थे। क्या क्लिनिक का नाम है और सफा करके है क्लिनिक का नाम? सर, क्या कोई बच्चे की भी मौत हुई है इनका इलाज? बच्ची थी, उसकी दुर्भाग्यजनक मृत्यु हुई थी, इसी क्रम में फिर जाँच भी आ गया है। तो क्या कार्रवाई होगी? उसको सील कर दिया गया है, उनके खिलाफ FIR कंप्लीट कराई जा रही है। ऐसा हुआ, हमारी बहन को बुखार आया था, जब बुखार आया तो मम्मी यहाँ पर लेकर आई दिखाने के लिए। कहाँ पर? यहीं डॉक्टर के पास। क्या नाम है? डॉक्टर दानिश। तो ये बोले, इन्होंने दवाई दी, ये बोले इसकी बोतलें छुड़वा लो, ये ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। मम्मी ने हमारी मना करा, बोले आप पैसे बचाना चाह रही हो और आप पैसों के चक्कर में अपनी बेटी को बुक कर दो, हो जाएगी, बीमार हो जाएगी। तो हमने कहा ठीक है, तो इलाज करो। इन्होंने घर पर आके हमारे यहाँ पर 3 बोतलें चढ़ाई, उसके 10 इंजेक्शन लगाए बच्ची के। उसके बाद उसको ये कह के गए थे कि उसके हाथ में रिंगराइट ना, तो आप घबराना नहीं। हमने कहा ठीक है। जब बच्चे को चकत्ते पड़ने लगे, नीली होने लगी, रिंगराइट होने लगी, हमने इनको फ़ोन करा, ये नहीं आया हमारे पास। ये बोला खिलाफ सही हो जाएगी। उस रात में 12:30 बजे उसका इंतकाल हो गया, मुँह से जहर आ रहा था। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए, वहाँ कोविड टेस्ट हुआ तो वो निगेटिव आया। और उसके बाद उसके मुँह से झाग आ रहे थे, जब इंतकाल हुआ जब तक दफन नहीं करा उसके मुँह से जहर आ रहा था। जी, बच्ची का नाम सना था, उसकी उम्र 16 साल थी और हमने डॉक्टर को दिखाया था, उसके कारण बच्ची की मौत हो गई। इन लोगों के हमारे पर बहुत दबाव आ रहा था कि मसला कर लो, पैसे ले लो, हमने मना कर दिया कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब क्या चाहते हो? हम चाहते हैं इंसाफ हो, ताकि कल को किसी और मासूम की जान नहीं ले। चमन नर्सिंग होम में प्रसव के बाद महिला की मौत। रामपुर में चमन नर्सिंग होम में ऑक्सीजन की कमी से एक महिला की प्रसव के बाद मौत हो गई। मृतक महिला के पति का आरोप अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से और इलाज सही नहीं होने के कारण उसकी पत्नी की मौत हो गई। परिजनों का अस्पताल परिसर में रो रोकर बुरा हाल है। वहीं मृतक के पति ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस नर्सिंग होम पहुंची और डॉक्टर से पूरी घटना की जानकारी ली। कुछ देर बाद सीओ सिटी भी चमन नर्सिंग होम पहुंची और उन्होंने पूरे मामले की जानकारी डॉक्टर किसे और मृतक महिला के पति से ली है। इस दौरान नर्सिंग होम में काफी गम और आक्रोश का माहौल रहा। ऑपरेशन करने के बाद क्या आप रुकी थी यहाँ या चली गई? ऑपरेशन करने के बाद मैं 9 बजे तक यहाँ पे थी। उसकी मदर से नहीं, मरीज कितने बजे आए? मरीज 3 बजे आया कल, कल शाम को 3 बजे आया, ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद 9 बजे तक मैं यहीं पे थी क्योंकि मरीज को गर्मी लग रही थी। एसी लगवाया हम लोगों ने, मंगवा के आप खुद देख लीजिए जाके बाहर। उसके बाद पेशेंट को सेटल करके, उसकी मदर को सेटल करके फिर हम लोग गए। आप चले गए? और क्या, रात को चले। कितने बजे? रात को 9 बजे अराउंड हम लोग चले गए थे, पहुंच गए थे घर। तो आप किसी को हैंडओवर करके? हाँ, हैंडओवर करके गए थे ना, यहाँ के पूरा स्टाफ है। किसको करा हैंडओवर? मैडम को करा, राशिद को किया, जो हॉस्पिटल का पूरा नर्सिंग स्टाफ है उसको किया, डॉक्टर अली है यहाँ पे। अली क्या है? जो भी है उनको सबको हैंडल कर। आप मेडिकल लाइन से हैं, एमएसडी हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ। आपने ऑपरेशन किया है तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता था कि आप ईएमओ को हैंड करके जाते? अरे कर कर
क्या नाम है यूमो का? यूमो का नाम चमन मैडम को पता है, चमन मैडम से मैंने बात की, बात कर रही हूँ। मैडम आप ये कह रहे हैं कि आपने मरीज के लिए एसी लगवाया, लेकिन मरीज कह रहा है कि ऑक्सीजन तो खत्म हो गई, आधे घंटे में ऑक्सीजन आई है। बहुत कुछ बोलेगा, ऑक्सीजन की तो जरूरत अभी सुबह पड़ी है। मरीज तो बहुत कुछ बोलेगा, आपके हर चीज खराब हुई है। मेरा काम है ऑपरेशन करना, है ना, पेशेंट सही सलामत ओटी से निकालना, उसके बाद भी पेशेंट 9 बजे तक मैंने देखा बिल्कुल स्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब कोई फैसिलिटी होती है ना, आपका राइट भी बनता है, आप तो राइट है, तभी तो मैं खड़ी हूँ यहाँ पे। अच्छी बात, राइट है तभी खड़ी हूँ, नहीं तो मैं यहाँ नहीं रहती। ऑपरेशन कराने लाए थे हम, शाहबाद, हम शाहबाद के रहने वाले हैं। तो वहाँ की डॉक्टर ने बोली कि हम वहाँ कराएंगे। मैंने उनसे पूछा ऑक्सीजन सुविधा है, बोले हमारे पास नहीं है, वहाँ हॉस्पिटल है वहाँ पर है। तो मैंने ठीक है वहाँ ले चलो, MBBS थी इसलिए हमने उन पर भरोसा किया, मैं MBBS डिग्री है। तो यहाँ आकर उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। जब ऑपरेशन में से निकाल के लाते हैं तो बेड तैयार होता नहीं होता है, तो बेड तक तैयार नहीं था। ऑपरेशन करने के बाद 24 घंटे हिलती नहीं है लेडी, तो उन्होंने 3 जगह तो पटक दी उठा के। फिर क्या हुआ? हाँ, उसके बाद फिर आज सुबह 4 बजे उसकी तबीयत खराब हो गई, तो ऑक्सीजन कम हो गया, तो सिलेंडर लगा आधे घंटे में, सुबह सिलेंडर आया। अस्पताल है तो ऑक्सीजन सिलेंडर रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, तो बाहर से सिलेंडर लेके आ रहे हैं आधे घंटे में, तो उसकी तबीयत खराब हो गई वहाँ टाइम। तो उससे ठीक है, अभी हम घर से आए थे 4 बजे के टाइम, तो उसके बाद ऐसे हाथ पर पटक रही थी वो, तो हम तो ये कह रहे थे कि अरे वो तुम यहाँ पे इन्हें परेशान कर रहे हो बेफालतू, और हमें परेशान कर रहे हो, हाँ ये ऐसा ही है, हाँ ये इससे हाथ में चला रही हूँ। अब उसके उसका दर्द हो रहा था, तो उसके बाद फिर उसको जो डॉक्टर आए उन्होंने डॉक्टर साहब को बुलाओ, वो कंप्यूटर थे, तो डॉक्टर साहब आए 1 घंटे में। तो हम उसके बाद फिर वो ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो, तो ऑक्सीजन सिलेंडर वो खत्म हो गया, उसके बाद आधे घंटे भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं आया, हाँ उसी में वो आप मर गई। अच्छा, तो बच्चा इनके हो गया था या पहले हुआ था? बच्चा हो गया था। अच्छा, बच्चा हो गया था, हाँ कल हुआ था 3:30 बजे। अच्छा, उसके बाद एडमिट थी यहाँ पे? हाँ। नहीं, तुम्हारे इलाज उनका सही से नहीं किया गया? नहीं, इलाज सही से नहीं किया गया। जो MBBS डॉक्टर ने यहाँ लेकर, उनका नाम क्या है? अनीसा खान। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।